गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं। हम रात को रुके थे खलसर में और अभी तैयारी है ले चलने की। कल हम गारकोन विलेज गए थे जो कि आयरन का लास्ट विलेज कहा जाता है हिंदुस्तान में। तो वहाँ समय कुछ ज़्यादा लग गया, इस करके हम लेट हो गए और अब निकल रहे हैं ले के लिए। आज ले में स्टे करेंगे और कल निकलेंगे नुब्रा और पेंगोंग के लिए। तो चलिए चलते हैं। यह है खलसी बाजार और अब गाड़ी में सामान रखते हुए सभी तैयार हैं। बाय बाय खलसी, अब निकल पड़े हैं ले की ओर। आज हमारा कार्यक्रम ले तक का है। ले में हमने स्टे करना है, वहाँ थोड़ा बहुत जो देख सकेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले हम रुकेंगे निम्बू में, जहाँ पर सिंधु नदी और झांस्कर नदी का मिलन स्थल भी है। तो आइए चलते हैं। मौसम साफ है, सुबह का समय है और अच्छी वादियां हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं निम्बू में और ये है सिंधु और झांस्कर नदी का मिलन स्थल। यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जल क्रीड़ाओं का आनंद लेते हुए रोमांचक वाटर स्पोर्ट, कोई राफ्टिंग कर रहा है तो कोई कयाक चला रहा है और सब अपने में व्यस्त, समय का भरपूर आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं। यहाँ के बाद हम रुकेंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब गुरु नानक देव जी ले की ओर आए थे तो इस स्थान पर रुके थे, तो गांव वाले उनसे मिले थे और उन्हें अपनी एक समस्या से अवगत करवाया था कि कोई शैतान था जो उन्हें बहुत तंग करता था। गुरु नानक देव जी से उन्होंने प्रार्थना की कि हमें इस मुश्किल से छुटकारा दिलवाइए। तो कहते हैं जब गुरु नानक देव जी तपस्या में लीन थे, ध्यान में बैठे थे, तो उस शैतान ने उन्हें मारने के लिए एक पत्थर फेंका, तो वो पत्थर जो है गुरु नानक देव जी के पर गिरा, लेकिन इस तरह से गिरा जैसे वो पत्थर ना हो के कोई स्पंज जैसा हो, कोई नरम चीज़ हो, और उसमें पूरे पत्थर में के बीच में जो है उनके शरीर का निशान बन गया। तो वो निशान आज भी देखा जाता है। तो इसी के नाम पे यहाँ इस स्थान का नाम गुरुद्वारा पत्थर साहिब पड़ा है
और सबसे बड़ी बात है कि इस गुरुद्वारे की देखरेख का सारा जिम्मा हमारी सेना के पास है। और यहाँ पर अब तो लंगर वगैरह की भी सुविधा है, तो अब पहुँचने वाले हैं और आपको दर्शन करवाते हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब के। ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब का मेन मुख्य भवन। यहाँ पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं, और साथ ही है वो शिला जिसे शैतान ने गुरु नानक देव जी पर मारा था। ये वो शिला है और आप देख पाएंगे कि इसमें पूरी एक मानवाकृति बनी हुई है। ये देखिए कि किस प्रकार से गुरु नानक देव जी के पीठ पे इससे वार हुआ था, लेकिन इस प्रकार पिघल गई कि उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। और यहाँ है गुरु नानक देव जी का शयन कक्ष। यहाँ पर शीश नवाकर परिक्रमा करके अब चलेंगे हम आगे की ओर। आप भी जब कभी लेह लद्दाख की यात्रा कीजिए तो इस धार्मिक स्थान पर जरूर आइए। अब हम निकल पड़े हैं लेह के लिए। लेह यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। चलिए इस सफर का आनंद लेते हैं। और यह है शौर्य स्थल जहाँ कारगिल के वीर जवानों की याद में इस स्थल को बनाया गया है और सभी शहीदों के नाम यहाँ पर दर्शाए गए हैं।
एक बार पुनः शत शत नमन शहीद वीर जवानों को, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यहाँ से आकर सबने इन क्षणों को कैमरे में कैद किया और फिर चल पड़े ले मार्केट की ओर। मार्केट में घूमते घूमते हमें काफ़ी समय हो गया, क्योंकि हमने रूम ले लिया था तो इस करके हम निश्चिंत थे। कुछ सामान ख़त्म था तो उसे भी लेना था, और सबने जी भर के लेके मुख्य मार्केट का आनंद लिया। सुबह हमें निकलना है नुब्रा वैली के लिए, तो आप साथ बने रहिएगा। अगले ब्लॉग में आपको नुब्रा वैली का नज़ारा दिखाएंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में नुब्रा की हसीन वादियों में। आपने इस ब्लॉग के लिए जो प्यार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब गुड बाय कहने का समय आ गया है, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में।